को भी छोड़ करके वो लोग साधु फकीर हो गए, महात्मा हो गए, जमीन पर सोए, कभी खाने को मिला कभी खाने को ना मिला। तो वैसे पुरुष ही ऐसा भजन करते हैं, भजन जो है गाते हैं, वैसा आचरण करते हैं। कुंदन कहते हैं सोने को, कुंदन के हम डले हैं, चाहे तू गला ले। अरे लकड़ी ना आग में जलेगी तो भस्म हो जाएगी, सोना नहीं ना भस्म होगा, सोना और चमक जाएगा। कुंदन के हम डले हैं, हम टुकड़े हैं, जब चाहे तू गला ले, तुम हमको जब चाहे तब गला लो। बावर न हो तो हमको ले आज आजमा ले, तुमको विश्वास नहीं होता हो, यकीन नहीं होता हो तो हमको आजमा लो, हम डरेंगे नहीं, आग में डाल दो, हम और चमक जाएंगे। तो हरिश्चंद्र की कितनी परीक्षा हुई है, देखो नाम हो गया ना पूरे देश में। प्रहलाद जी को आग में डाला गया कि फिर भी जले वो, तुम देखो पूरे देश में नाम है। तो वही बता रहे हैं कि ध्रुव जी 5 साल की उम्र में जंगल चले गए, देखो अभी तक नाम है कि नहीं। जो भगवान के लिए निकल गया, भगवान के लिए बालकपन दे दिया, जवानी दे दिया, भगवान उसको छोड़ेंगे, भगवान उसको अपना लेंगे। तो वही बोल रहे हैं, कुंदन के हम डले हैं, जब चाहे तू गला ले, बावर न हो तो हमको ले आज आजमा ले, जैसी तेरी खुशी हो सब नाच तू नचा ले, और सब छानबीन कर ले, हर तौर दिल जमा ले, हम कैसा है हमारी जांच कर लो तुम। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो विवाह हुआ है, और वो तुम अनुकूल व्यवहार करो चाहे प्रतिकूल व्यवहार करो, हम सब में खुशी है, प्रसन्न ही है। खुश हो के यार या तो कर हमसे प्यार प्यारे, ए यार तुम खुश होकर के हमसे प्यार करो, गले मिलो, आलिंगन करो, या तेग खींच जालिम टुकड़े उड़ा हमारे, या तलवार खींच कर करके हमारे टुकड़े टुकड़े शरीर का कर दो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तुम प्रसन्न हो वही हो, तुम हमारे साथ व्यवहार करो, हम ना नहीं करेंगे, हमारे साथ तुम जैसा व्यवहार करो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह वाह है, अनुकूल भी रखो तो भी वाह वाह, और प्रतिकूल परिस्थिति में रखो तो भी वाह वाह है। तो ऐसा कौन होगा जिसको आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा, मन इंद्रियों का संयम होगा, शुभ अशुभ सब वासनाओं को नष्ट किए हुए फेंक दिया है, शुभ अशुभ संकल्पों को त्याग दिया है। सोने की हथकड़ी बेड़ी भी बांधती है, और लोहे की हथकड़ी बेड़ी में भी तुम बंध जाओगे, दोनों को फेंको तब न मुक्त हो तुम। तो शुभ कर्म भी बांधता है, अशुभ कर्म भी बांधता है। तो कांटा गड़ा है तुमको, तो कांटा को किसी कांटा से निकालो, सुई से निकालो, जब कांटा निकल गया तो सुई को भी हटा दो, और जो कांटा गड़ा था उसको भी हटा दो। स्वस्थ आदमी को दोनों की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बताया गया है कि शुभ अशुभ दोनों जो है फंसाने वाले हैं, दोनों को तुम त्यागो, पहले अशुभ को शुभ से दूर करो, फिर दोनों को हटा दो। सोने की हथकड़ी बेड़ी और लोहे की हथकड़ी बेड़ी दोनों बांधती है, शुभ संकल्प अशुभ संकल्प दोनों जो है बंधन है, दोनों को छोड़ करके सबसे ऊंची चीज ब्रह्म भाव को निरंतर अंगीकार करो, स्वीकार करो। ये इस कविता में यही सब बताया गया है, निरंतर ब्रह्म भाव में रहो, झूठी चीजों के पीछे तुम अपना समय नष्ट न करो। हर हर महादेव।